सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा प्रैक्टिस पेपर से क्लास 10th का। तो जो एडिशनल क्वेश्चन रिलीज़ किए हैं सीबीएसई वालों ने, तो ये क्वेश्चन है हमारा कि दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमारी, एम एक्स क्या दे रखा है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, एम एक्स प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, दूसरा है एन एक्स माइनस 12x प्लस एन वाई प्लस माइनस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, x वाले को थोड़ा बाद में रख दिया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि m और n की किस वैल्यू के लिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द m एंड n डू द इक्वेशंस हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन तब होंगे अगर दोनों लाइन आपस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, ठीक है। जब हम ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप करती है, तो इसमें इस केस में बहुत सारे अनलिमिटेड यानी कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और ये कब होता है, तो ये होता है जब a1 अपॉन में a2 बराबर होता है b1 अपॉन में b2 बराबर होता है c1 अपॉन में c2। अब इस इक्वेशन से हमें a1 a2 निकालना है, जो x का कोफिशियंट होगा वो a1 होगा, यानी कि x का कोफिशियंट m है हमारा, और दूसरे नीचे वाले में x का कोफिशियंट a2 होगा हमारा नीचे वाला, तो वो होगा माइनस 12 है। तो x का कोफिशियंट लेना आपको, जैसे इसमें x का कोफिशियंट माइनस 12 है तो माइनस 12 ले लेंगे, फिर ऐसे ही y का कोफिशियंट b1 होगा ऊपर वाले में 4, और नीचे y का कोफिशियंट हमारा n हो गया, और जो कांस्टेंट होंगे वो हमारे c1 और c2 हो गए, तो यानी कि माइनस 6 अपॉन में 12 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, m और n की वैल्यू निकाल देनी है। तो दोनों को ये जो दोनों x दोनों दे रखे हैं हमें, ये दोनों, इन दोनों को इसके बराबर रख के m और n की वैल्यू निकल जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको। सो आपको करना क्या होगा, m अपॉन में माइनस 12 इक्वल टू माइनस 6 अपॉन में 12, ये है। सो अब क्या करेंगे, इसमें m की वैल्यू निकालनी है, तो 12 से 12 कट जाएगा, और जो ये माइनस होगा वो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो यानी कि m की वैल्यू हो जाएगी प्लस 6, ठीक है। यहाँ प्लस 6 के दो ऑप्शन दे रखे हैं, आप इनमें से एक होगा। अब दूसरा, n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू हमारी 6 आ गई है, ठीक है। तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 अपॉन में n इक्वल टू माइनस 6 अपॉन में 12। अब n मुझे रखना है, ऊपर लाना है, तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ, सो n हो जाएगा हमारा, n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 इंटू 4 अपॉन में माइनस 6, तो माइनस 6 से कट जाएगा, 2 बाहर आएगा, और 2 4 8, यानी कि माइनस 8 आएगा हमारा n की वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि जो ऑप्शन है हमारा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा मिटाने में दिक्कत आ रही है, यानी कि जो हमारी इक्वेशन होगी बेसिकली, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, n की जो वैल्यू होगी, n इक्वल टू होगा हमारा क्या था, हाँ n इक्वल टू होगा हमारा, तो था ये, दोबारा से मैं इसे सही से अच्छे से लिखता हूँ ना, कि आपको कभी समझ में ना आए। तो 4 अपॉन में n हो जाएगा इक्वल टू माइनस 6 अपॉन में 12। अब यहाँ से सॉल्व करो, n की वैल्यू निकालो, तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस माइनस 6 n इक्वल टू 48, ठीक है। और n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 48 अपॉन में 6 माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस 8 आल्स की वैल्यू हो जाएगी काटने पे, 6 8 जा 48, एन इक्वल टू आ गया हमारा -8, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। सो गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड, एंड इफ यू हैव इन डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय।